हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो आज आपको पता होगा 2 अक्टूबर है, और आपको पता हो आज गांधी जयंती है, और गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बेटा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपको पता हो तो हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी पहले पूरे कर लिए हैं, आज तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वाटर। और एक मैं ज़रूरी बात आपको कह देता हूँ, संडे को आपको एक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें पहला चैप्टर आएगा और दूसरा चैप्टर आएगा, पहला और दूसरा ये दोनों चैप्टर आएंगे, और अच्छे से लर्न कर लेना। आपके पास 2 दिन का समय है, अभी आज का पूरा दिन पड़ा है, कल सैटरडे है, कल का दिन पड़ा है, फिर संडे को टेस्ट लिया जाएगा, फिर मंडे को आपकी टेस्ट की आंसर कॉपी चेक करने के लिए आएंगे हम। इस कारण से अच्छे काम करना है, अच्छा लर्न कर लेना, 2 दिन पहले बोल देता हूँ। इसीलिए बार हर बार आपको बिना कहे टेस्ट लिया जाता था संडे को, पर अब की बार 2 दिन पहले बोला गया है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, इसीलिए अच्छे से लर्न कर लेना और अच्छे अंक प्राप्त करना है आपको। पहला चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर आएगा, तीसरा चल रहा है, तीसरा चैप्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। पहला दूसरा ये 2 चैप्टर ही आएंगे। आपको पता हो तो कल की क्लास में हमने स्पेलिंग लिखी थी, हाँ, आज भी क्या करते हैं, स्पेलिंग ही लिखते हैं, फिर हमारी चैप्टर की स्पेलिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम शुरू करेंगे पढ़ाई करना, ठीक है ना। चैप्टर को एक्सप्लेन करना बाद में शुरू करेंगे, आज स्पेलिंग लिखते हैं। और कल की हमारी आखिरी स्पेलिंग थी, लास्ट स्पेलिंग थी फ्रिज, यानी जम जाना, ये स्पेलिंग थी, उससे आगे शुरू करते हैं अब। और आगे स्पेलिंग लिखना, माउंटेन आपको पता है, बट लिखना MELT, मेल्ट, MELT, मेल्ट का मीन्स होता है पिघलना, मेल्ट का मीन्स क्या होता है, पिघलना। उससे पहले चैप्टर हमारा 3rd है और ये है वाटर, पहली स्पेलिंग मेल्ट यानी पिघलना, फिर आगे देखो और अगली स्पेलिंग है सनरेज, आपको बता सूर्य की किरणें, लिख दो फिर SUNRAYS, सनरेज यानी सूर्य की किरणें, सनरेज होता है सूर्य की किरणें। फिर देखो आगे, PLAINS, प्लेन्स, प्लेन्स होता है मैदान, प्लेन्स क्या होता है, मैदान होता है। फिर देखो आगे, पॉल्यूटेड का मीन्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रदूषित, जब वायु प्रदूषण बढ़ा था, लिखा थी ना पॉल्यूशन की स्पेलिंग, वही है यहां पर भी पॉल्यूटेड। इरिगेशन लिख देना, इरिगेशन होता सिंचाई, इरिगेशन क्या होता है, सिंचाई होता है, सिंचाई। फिर लिखो आगे, CULLECT, कलेक्ट, कलेक्ट का मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट का मीन्स इकट्ठा बहुत है। फिर लिखना डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन का मीन्स बेटा देखो चिंता होता है, डिप्रेशन का मीन्स चिंता होता है, लेकिन यहां चिंता नहीं है, यहां है खड्डा, डिप्रेशन, डिप्रेशन का मीन्स गड्ढा, ठीक है ना, उसको बेटा डिप्रेशन कहते हैं। फिर लिखो आगे, डर्टी का मीन्स आपको पता गंदा, उसके अलावा देखो एब्जॉर्ब्ड, ABSORBED, एब्जॉर्ब्ड होता है अवशोषित या सोखा हुआ, हम बोलते हैं ना पानी सोख लिया,
सोखा हुआ, एब्जॉर्ब लिखता है ना तो सोख ना होता, बट ईडी लगा दिया, उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म लगा दी सीबी। फिर लिखना परकोलेटिंग, पी आर सी ओ एल ए टी आई एन जी, परकोलेटिंग में होता है पानी का रिसना, पानी का रिसना मतलब पानी का जमीन में चलना, जमीन में नीचे उतर जाना, उसको भी पानी सोखना ही बोलते हैं, उसको बेटा परकोलेटिंग कहते हैं। फिल्टर का मीन आपको पता है छानना। फिर लिखना ग्रेवल, जी आर ए वी एल, ग्रेवल होता है बजरी, ग्रेवल होता है बजरी, जैसी रेत होती है ना उसको बजरी बोलते हैं, ऐसी रेत को उसको ग्रेवल कहते हैं। फिर लिखो आगे, फिर लिखना डिग यानी खोदना, डी आई जी, डिग यानी खोदना। फिर लिखो आगे वेल यानी पता कुआ, उसके अलावा हेडपंप यानी हेडपंप, अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे, यू एन डी आर, जी आर ओ यू एन डी, अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे। फिर देखो नैरो, एन ए डबल आर ओ डब्लू, नैरो यानी संकरा, नैरो का मीन्स क्या, संकरा, कम चौड़ा उसको बोलते हैं ना, जो चौड़ा कम होता उसको नैरो कहते हैं। डीप यानी गहरा गड्ढा, डीप यानी गहरा, होल यानी छेद। उसके अलावा आगे देखो फैच यानी लाना, एपीटीसीएच, फैच यानी लाना, फैच यानी लाना। फिर देखो आगे क्विकली यानी जल्दी से, क्यू यू आई सी के एल वाई, क्विकली यानी जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से। फिर देखो फार्मर यानी पता है किसान, फिर लिखो ओसियन, ओ सी ई एन, ओसियन यानी महासागर, ओसियन यानी महासागर। फिर देखो आगे ट्रांसपोर्टेशन, एक्वेटिक का तो मीन्स मालूम है ना, हमें पढ़ा होगा पीछे जल में रहने वाले जलीय जीव पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन लिख दो। परिवहन, टी आर ए एन एस पी ओ आर टी ए टी आई ओ एन, ट्रांसपोर्टेशन ही परिवहन। फिर देखो आगे एक्वेटिक मैंने लिखवा दी ना लास्ट चैप्टर में, हाँ स्काई यानी आकाश, ड्रॉपलेट यानी बारिश की बूंदे, ड्रॉपलेट का मीन्स होता है बारिश की बूंदे, लिखवा दूं, हाँ लिख लेते हैं ना, हाँ लिखो तो भी पहले उससे पहले कोई एवापोरेट्स, एवापोरेट लिख देना, एवापोरेट का मीन्स होता है वाष्पित, एवापोरेट वाष्पित।
फिर लिखो ड्रॉपलेट्स, DROPLETS। ड्रॉपलेट्स यानी बारिश की बूंदे, ड्रॉपलेट यानी बारिश की बूंदे। फिर देखो आगे क्लाउड का मीन्स आपको बता बादल, उसके अलावा एक लिख दो पीक यानी चोटी या शिखर, PEAK, पीक यानी या तो कह दो चोटी या कह दो शिखर। फिर आगे रेन वाटर आपको पता है, इसके अलावा वेपर मैंने लिखवा दी थी लास्ट चैप्टर में वाष्प, रेन वाटर बारिश का जल, हार्वेस्टिंग लिख दो एक संरक्षण, एक लास्ट स्पेलिंग ही बच्ची है इधर लिखवा देता हूं हार्वेस्टिंग, HARVESTING, ये होता है हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग क्या होता है, संरक्षण, संरक्षण, हार्वेस्टिंग का मतलब संरक्षण। उसके अलावा एक कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मीन्स बेटा संरक्षण ही होता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है ना, हार्वेस्टिंग भी संरक्षण होता है। उसके अलावा हार्वेस्टिंग का मीन्स कटाई करना भी होता है, वो भी सही होता है, संरक्षण भी सही होता है, एक कंजर्वेशन होता है उसका मीन्स भी संरक्षण ही होता है। बाकी आगे स्पेलिंग है नहीं ज्यादा, एक रूफ टॉप है जो आपको पता, रूफ टॉप का मीन्स सबसे ऊपर वाली छत ठीक है, उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं। एक इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मीन्स भी आपको पता होगा, इंक्रीज का मीन्स क्या होता है, बढ़ना, वृद्धि होना, लेवल का मीन्स आपको पता है स्तर, तो यही स्पेलिंग है, ज्यादा स्पेलिंग है नहीं। इस प्रकार से इस चैप्टर की सारी स्पेलिंग में हमने लिख ली है, ये जो हमने जो भी 2019 जो भी जितनी स्पेलिंग लिखी है इस चैप्टर की पूरी स्पेलिंग हो गई है। फिर हमारी जो कल की क्लास होगी उस क्लास में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से कि क्या होता है वाटर का यूज, जल हमारे को प्राप्त कहां से होता है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, ये सारी स्पेलिंग लिखना है होमवर्क में ठीक है ना, कौन सी स्पेलिंग लिखना, ये सारी स्पेलिंग लिखना है आपको होमवर्क में, इधर वाली इधर वाली, अच्छा करना सुंदर सुंदर अक्षरों में। मैंने एक आपको बात बताई है टेस्ट की कि टेस्ट लिया जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, लर्न करना है, ये लर्न नहीं करना, पहला दूसरा चैप्टर लर्न करना है उसमें से टेस्ट लिया जाएगा, थर्ड चैप्टर में से नहीं लिया जाएगा, अच्छे तरीके से लर्न करना है। हम देखते हैं फिर, क्योंकि अगले दिन चेक करने आएंगे आंसर कॉपी ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ और विदा लेता हूँ आपसे, तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।